1386 में आज के दिन जर्मनी में हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1564 में आज के दिन इंग्लैंड के नौसैनिक कमांडर जॉन हॉकिंस ने दूसरी बार अमेरिका यात्रा शुरू की। 1572 में आज के दिन स्पेन की सेना ने मास्ट्रिश्ट पर हमला कर दिया। 1648 में आज के दिन उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों में बोस्टन शूमेकर पहला श्रम संगठन बना। 1878 में आज के दिन थॉमस एल्वा एडिसन ने घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध कराई थी। 1892 में आज के दिन अमेरिका में शिकागो से न्यूयॉर्क के बीच पहली लंबी दूरी की वाणिज्यिक फोन लाइन को शुरू किया गया। साल 1900 में आज के दिन काउंट बर्नार्ड वॉन बुलो जर्मनी के चांसलर बने। 1922 में आज के दिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन किया गया। 1931 में आज के दिन बिजली के खोजकर्ता थॉमस एल्वा एडिसन का निधन हुआ। 1954 में आज के दिन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी ने पहले ट्रांजिस्टर रेडियो का निर्माण किया। 1867 में आज के दिन हैंस बेथे को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1972 में आज के दिन पहले बहुआयामी हेलीकॉप्टर SA-315 का बेंगलुरु में हवाई परीक्षण हुआ। 1972 में आज के दिन अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री वेसिली लियोंटिफ अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1976 में आज के दिन विलियम एन लिप्सकॉम्ब जूनियर को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया।